अल्लाम वरम वा आउज़िल्ल मिन शैतानरजीम बसमरमी अलहमदिल्ला पिछले पंद्रह साल से ईद अयात ईद मीलादुलनबी सलसम के मौक़े पर कई तनज़ीमें जो मज़हबी तनज़ीमें हैंजुट होकर मिलाद जुलूस का इन अमल में ला रही है मैं सदर मरकज़ी अंजुमन खादरिया व सदर नबी एकेडमी पिछले पंद्रह साल से इस मिलाद जुलूस में शिरकत कर रहा हूँ और अलहमदिल्ला साल साल इस जुलूस में उशाखान रसूल सल्ला वसम की तदाद में इजाफ़ा है इस साल भी मिला जुलूस का आगाज़ ठीक एक बजे दिन सैरतनबी एकेडमी मरकज़ी अंजुमन ख़रिया के काफ़िले का बारगह हज़ूर सैदना ख़्वाजा अल्लाह सरकार खाज़ीपुर शरीफ से होगा ये काफ़िला एक बजे दिन बारगाह हजूर सैदना ख्वाजा वाला खाजीपुर शरीफ से निकलेगा और मक्का मस्जिद पहुँचेगा मक्का मस्जिद से मरकज़ी मिला जुलूस में जो सूफी के जहर ज़ेरतम होता है उसमें ये काफ़िला ज़म होगा और उसके बाद गुलजारोस पत्थरगट्टी मदीना बिल्डिंग सालार सालारजंग ब्रिज दारुशफा मंडी मीरालम अलीजा से होता हुआ मगलपुरे पर इसका अख्ताम अमल में आएगा इस मौके पर मैं मीडिया के ज़रिए तमाम उशा ख़ान रसूल सलील वसम को इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ हम जश्न मीलाद मना रहे हैं जहाँ हम मीलाद जुलूस निकाल रहे हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर जरूर आप रखें कि हम रहमतलामीन की मिलाद का जश्न मना रहे हैं रहमतलामीन की मिलाद का जुलूस हम निकाल रहे हैं तो जब मेरे आका सारे आलमों के लिए रहमत बनकर आए हैं तो उनकी मिलाद के जश्न की वजह से या जुलूस की वजह से किसी को भी किसी किस्म की कोई जहमत ख़तः तौर पर नहीं होनी चाहिए महलवारी सतह पर नौजवान आने महिला अहलिया ने मोहल्ला सजावट करते हैं तो मैं उनसे भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि जब आप महल में सजावट करें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि एक रास्ता महल्ले के आने जाने वालों के लिए छोड़ें तमाम रास्ते बंद ना करें कुछ भी नागहानी सूरत हाल हो सकती है कुछ भी एमरजेंसी हो सकती है पेशेंट हो सकता है हामिला ख़ातून हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इस बात का ज़रूर बज़रूर आप तमाम हजरात ख्याल रखें और जो मिलाद जुलूस में उशाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करते हैं उन तमाम से मेरी इस बात की अपील है कि खिलाफ़ शरा कोई काम ना करें अरश लगाना पानी एक दूसरों पर फेंकना या बाइक का स्टंट करना और रंग खेलना ये ख़ताई तौर पर हमारे पास जायज़ नहीं है कोई भी शख्स ऐसी हरकत ना करे जिससे मुखालफिन मिला जुलूस को कोई मौका मिले आपने देखा कि पिछले साल कुछ नाम नहात मौलवियों ने इस जुलूस पर तनकीद करने की कोशिश की जबकि हर साल जितने जिम्मेदारा ने मिलाद जुलूस है वो तमाम नौजवानों को इस बात की तलखीन करते हैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि खिलाफ शराह कोई काम ना हो लेकिन बावजूद उसके कुछ नौजवान ऐसी हरकत करते हैं जिसकी बिना पर मुखालफी मिलाद जुलूस को मौका मिलता है और ज़िमेदारान मिलाद जुलूस को उस ग़लती का एहसास दिलाने की न सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि कड़ी तनखीद करते हैं तो मैं फिर से एक बार तमाम उस नौजवानों को जो ऐसी हरकत करते हैं उनको मैं तो दिलाना चाहता हूँ आप ऐसी कोई हरकत ना करें जो मिलाद जुलूस को तनखीद का निशाना बनाया जाए देखिए यह जश्न है यकीन हम जश्न मनाएंगे जिस तरीक़े से अल्लाह ताली कुरान शरीफ़ में फरमा रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई रहमत नाजिल हो कोई फजल नाजिल हो तो उसका जश्न मनाओ धूमधाम से जश्न मनाओ तो कुरान की रोशनी में हम मिलाद का जश्न मनाते हैं क्योंकि हमारे अपने अकीदे के हिसाब से ये बात तय है कि इस कुर्र कायनात में सरकार से बड़ी ना कोई रहमत है ना कोई फजल है जब उनकी बैसत हुई उनकी विलादत हुई तो सारी कायनात में ऐसी रहमत और ऐसी जो है अल्लाह का फज़ल ना कभी हुआ था ना है ना कभी सुबह क़यामत तक होगा तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम पर रहमत नाजिल की गई हो जब तुम पर फजल किया गया हो तो उसका जश्न मनाओ तो हम जश्न मनाते हैं और इन अपनी आखिरी सांस तक मनाएंगे हमारी आने वाली नस्लें जब तक के रहेगी जब तक के मिलाद का जश्न इन मनाते रहेंगे हमें तनकीदात की हमें फ़तवों की कोई परवाह नहीं है लेकिन हमको भी अपने दायरे में रहते हुए काम करने की ज़रूरत है मिलाद जुलूस में हमको ग़लामा मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम का सबूत देना है सीटी मारना चीख पुकारा करना ये एक ामा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम का शेवा हरगिज नहीं हो सकता जो कोई भी ये हरकत कर रहा है मीलाद को बदनाम कर रहा है जश्न मीलाद को बदनाम कर रहा है मीलाद जुलूस को बदनाम कर रहा है तो बराए मेहरबानी ऐसी कोई हरकत भी जो मिला जुलूस में शिरकत करें ना करें एक और एक, एक बात जो बहुत ही अहम है मैं उस तरफ तोज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हालिया में आपने देखा कि मलून राजा सिंह ने जिस वक्त आखाए आकएहाँ सरवर कायनत ताजदार कौन मक़ा की शान में गुस्ताखी की तो अलहमदिल्ला उशा खान रसूल का पुरान एहतजाज हैदराबाद में मनज़म किया गया जिसमें कोई पत्थर नहीं मारा गया किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हुई पुरान जो जमूरी दायरे में जो एहत होना था अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हम इस मसले पर हमारी अपनी हयादत हो या फिर तेलंगाना रियासती हुकूमत हो के सी आर हो उनके शुक्रगुजार है कि वैसे मलून को कैफर किरदार तक पहुँचाया गया और वह आज जेल की काली कोठरी में बंद है लेकिन उस वक्त कुछ नारे जो मुतनाज़ नारे थे जो गैर क़ानूनी नारे हैं वो नारे भी बुलंद किए गए तो मैं तमामी शुरोाय मिला जुलूस से इस बात की अपील करूंगा कि आप कोई भी मुतनाज़े नारा कती तौर पर ना लगाएं जो कोई भी ऐसा नारा लगाएगा उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा हम उसके ज़िम्मेदार ख़ही तौर पर नहीं रहेंगे आप नारे तकबीर लगाएं नारे रिसालत लगाएं गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है नारे हैदरी लगाइए नारे हुसैन लगाइए ये नारों से हमारे जुलूस में भी बरकत होगी और अल्लाह उसके रसूल की हम पर इनायत होगी करम होगा ऐसा ग़ैर मुतनाज़ नारे कोई भी आप ना लगाएं ये तो मिलादी भाइयों से मेरी अपील थी और कुछ शरपसंद हजरात है जो मिलाद जुलूस को दरम भरम करने के लिए मिलाद जुलूस के नज़्म को ख़राब करने के लिए अगर कोई ऐसा नारा लगाता है तो हमारे वॉल्टियर्स की ज़िम्मेदारी होगी शरोक मिलाद जुलूस की जिम्मेदारी होगी उस शख़्स को पकड़े और फौरी तौर पर क़ानून के हवाले करें और मैं महकुम पुलिस से भी इस बात की अपील करूँगा कि आप हजरात सर्वेलेंस करें कैमरेज़ के ज़रिए करें वीडियोग्राफी के जरिए करें अगर कोई इस किस्म की शरपसंदी करता है तो उसको फौरी तौर पर क़ानून के तहत आप हिरासत में ले लें ऐसे नारे की मिलाद जुलूस के जिम्मेदारान कभी ताइज नहीं करते जो गैर क़ानूनी हो जो मुतनाज़ नारा हो हालिया में डी सी पी साहब के पास भी एक इजलास तलब किया गया था मैं उस इजलास में नहीं था लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मिलाद जुलूस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था जो मिलाद जुलूस में न आते हैं ना मिलाद जुलूस निकालते हैं ना मिलाद जुलूस के ज़िम्मेदार हैं ना तो वह मिलाद को मानते हैं बावजूद उसके महकुमे पुलिस क्या हिसाब से उनको बुलाती है वह पोलिस जाने तो बहरहाल हमको किसी पर तनखीद करना नहीं है लेकिन महकूमे को चाहिए कि मिलाद जुलूस का जो जिम्मेदार है जो मिलाद जुलूस में जाते हैं जो शिरकत करते हैं उनके साथ भी आप तबादले ख्याल करें गैर जो है ताल्लुक लोगों को आप बुला के वहाँ पर बिठा के अखबार में उनकी फ़ोटो फिनिश की जाती है ये ख़त तौर पर मेरी अपनी नज़र में गलत है जो मिलाद जुलूस से मुतक़ है उनको बुलाइए जो मिलाद जुलूस के ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको बुलाइए लेकिन आज का भी दौर पुलिस में ऐसे चल रहा है कि जितने इनफॉर्मर्स हैं ये इनफॉर्मर्स के ऊपर दावत दी जाती है वहाँ पर तो खैर बहरहाल इस बारे में हम डीसीपी साहब से भी नुमाइंदगी करेंगे इन शाला कि आइंदा में ऐसी जो है कोई चीज़ ना हो जिम्मेदारान को आप तलब करें। का जुलूस है यह रहमत का जुलूस है इसके अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए जो खिलाफ शरा हो या किसी को जहमत देने वाली बात हो साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि चौराहों पर जो हमारे नौजवान बाइक्स जमा करके जैम करके रास्ता रोक कर जो स्टंट करते हैं वो भी गलत है हम नौजवानों से अपील करेंगे कि ऐसी कोई गलत हरकत ना करें सर आपका